नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। ये वो सीटें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना, ये संवेदनशील सीटें बताई जा रही हैं। पहले चरण में 858 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल योगी ने संदेश में कहा था कि अगर मतदाताओं ने गलती की तो यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। उनके संदेश पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए लिखा है कि तीनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय यूपी से ज्यादा है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के गुरुवार को पहले चरण के मतदान के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के मतदाताओं को आगाह कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक होगी। अमूमन कोरोना काल से पहले 5 बजे तक होती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब 6 बजे टाइमिंग जो है घंटा बढ़ा दिया गया है, ताकि भीड़भाड़ ज्यादा ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों से हम आपको विधानसभाओं का हाल बता रहे थे, लेकिन आज हम उन विधानसभाओं में लेकर चलेंगे जहां पर आज मतदान हो रहा है। तो सबसे पहले नोएडा का हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी भूपेश लगातार पोलिंग बूथ पर बने हुए हैं। भूपेश, किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है आज? काजल, देखिए, बिल्कुल आज मतदान चल रहा है और इस समय हम दादरी विधानसभा में मौजूद है। दादरी विधानसभा के जो ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और लोगों में सुबह से ही उत्साह दिख रहा है, क्योंकि सुबह देखिए कोहरा भी था और कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुबह से ही 7 बजे से मतदान कर रहे हैं और लोगों में एक अलग तरह का उत्साह दिख रहा है। अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो यहाँ पर 566 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ 39 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। तो 39 प्रत्याशियों की जो किस्मत है, आज वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, उसी को लेकर के लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मैं ग्रेटर नोएडा के अभी अल्फा वन में मौजूद हूँ, जहाँ पे मतदान केंद्र बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं, और जो कोरोना गाइडलाइन की अगर हम बात करें उसको लेकर सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन बखूबी किया जा रहा है। और दरअसल ये जो हम बात करते हैं मॉडल बूथ भी है, और इसके पास में ही पिंक बूथ बनाया गया है जो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया। तो देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल, और भूपेश, ये कहा जा सकता है कि मतदान केंद्रों को देखकर कि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भूपेश की भीड़ भी बहुत ज्यादा है, यानी ये कहा जा सकता है कि मतदाता जागरूक है और मतदान करने के लिए निकल पड़ा है। क्या भूपेश, कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है जो पहली बार मतदान कर रहे हो, ऐसे वो युवा जो परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ रहे हो, जो यूपी का विकास चाहते हो? देखिए काजल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि पिछली बार जो प्रतिशत है नोएडा का वो 50% से नीचे रहा था। यहाँ शहरी मतदाता काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट डालने के लिए लोग कम आते हैं। तो प्रशासन ने इसलिए काफी इंतजाम किए हैं और इसीलिए ऐसे बूथ बनाए गए हैं। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जो वोट डालने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो अपने मत का प्रयोग करें। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुमार। जी, क्या कहना चाहते हैं, कैसे इंतजाम आपको लग रहे हैं? तो इस बार वोटिंग परसेंट जो हर बार नोएडा का कम रहता है बढ़ेगा? 100% तो ये लोगों का कहना है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो कम रहता है वो इस बार बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रशासन के इंतजाम है वो काफी बढ़िया है। ना ही तो आपको इस तरह की भीड़ यहाँ पे मिलेगी,
आप बाहर से ही जैसे यहाँ एंट्री करेंगे तो आपको देखिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम एक बार देख लीजिए, और महिलाएं भी यहाँ वोट डालने के लिए आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। देखिए आप महिलाओं से जरूर बात करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पिंक बूथ है वो अलग ही महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, और भारी संख्या में महिलाएं पहुंच भी रही है, महिलाएं जागरूक है। लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की, यहाँ की महिलाएं जो शहरी इलाकों में रह रही है, क्या वो उतनी खुश है इन 5 सालों में कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सही है? और अगर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की हम बात करें तो क्या वो योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जता पा रही हैं? आगे क्या सोचा है उनमें, किन किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ मतदान केंद्र में पहुंची हैं? देखिए काजल, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर जो लोग हैं वो पुरुष वोटरों से बात करते हैं, और महिला वोटर जो है वो साइलेंट वोटर के रूप में रहती है, और कई जगह देखा भी है। लेकिन जब न्यूज वन इंडिया की टीम कई जगह पर गई थी और उन्होंने महिलाओं से बातचीत की थी, तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं ने कहा है कि रात में हम पहले कहीं जाने से डरते थे, लेकिन इस सरकार को वो मानती है कि इसमें महिला सुरक्षा पर काफी जोर दिया गया है, और जो सुरक्षा व्यवस्था वो काफी मजबूत की गई कहीं ना कहीं। भूपेश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी काजल जी, भूपेश बोलिए। देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया जब चाहे वो गांवों में गया हो या शहरों में गया हो, हर जगह हमने बातचीत महिलाओं से की है, तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं ने कहा है कि इन 5 वर्षों में महिला सुरक्षा पर जो कि सरकार ने जोर दिया है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं उस चीज से तो खुश है। उनका कहना है कि देखिए महिला सुरक्षा पर काफी काम हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनसे जो हमने जब बातचीत उधर से होना होगा। भूपेश, तो क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप कि महिलाएं जो हैं अपनी सुरक्षा को लेकर अब कहीं ना कहीं ये मान चुकी हैं कि इन 5 सालों में उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो आगे चलकर अब इसी सरकार को कंटिन्यू किया जाए? हाँ देखिए, बिल्कुल महिलाओं की राय बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है, और ग्रामीण महिलाओं की मैं अगर बात करूं तो ग्रामीण में जो महिला जिस तरह से योगी सरकार ने कोरोना काल में कार्य किया है, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, अन्य काम हो, ग्रामीण महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुश नजर आती हैं, क्योंकि हम हमारी कई ऐसे जो परंपरागत वोटर जो होते हैं, बसपा के वोटर माने जाते हैं, दलित वोटर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अच्छा काम हुआ है, क्योंकि सरकार में कोई मतलब ऐसा नहीं किया गया कि हिंदू मुस्लिम किया गया हो या जात में बांटा गया हो, जो चीज दी गई है वो एक समान दी गई है, यानी सबके साथ वाली बात है। तो ये चुनावों में चौंकाने वाले जो बताइए कि अब तक जहां आप मौजूद हैं उस पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया था वो था 8.5% मतदान हुआ था, यानी ओवरऑल नोएडा की अगर मैं बात करूं तो 8.7% मतदान हुआ था, और सबसे ज्यादा इसमें जेवर में मतदान हुआ था, जेवर में 9% तक हो चुका है। अभी थोड़ी देर में जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा आता है जेवर का जिक्र यहां जरूर करेंगे भूपेश, क्योंकि जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो क्या इसी का असर है कि वहां ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, वहां का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है? देखिए बिल्कुल, जेवर में पिछली बार भी सबसे ज्यादा जेवर में ही मतदान हुआ था, नोएडा सबसे पीछे था उसमें, नोएडा विधानसभा यानी नोएडा विधानसभा में सबसे कम मतदान प्रतिशत था, इस बार भी जेवर में ज्यादा, और जेवर में लोगों में अलग तरह की जागरूकता दिख रही है। वहां अवतार सिंह भड़ाना जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और वहां के मौजूदा विधायक जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, और भाजपा के लिए वो सीट ज्यादा अहम बन गई है, क्योंकि भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट का जो मुद्दा है उसको लेकर चुनाव लड़ रही है, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो ये अलग संदेश जाएगा। बिल्कुल भूपेश, इसके अलावा वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ये जरा खुलकर बताइए और समझाइए, क्योंकि यूपी में जब जब चुनाव होते हैं तो पूरा देश सोचता है कि यूपी में चुनाव है, यहाँ तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होगी, यहाँ पर तो चुनावों में जो है फर्जी वोट डाले जाएंगे, ये तस्वीर देश भर में जाती है, इस बार क्या सुरक्षा व्यवस्था है? तस्लीम भी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले अपना आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर मैं तस्लीम का भी रुख करूंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस बार उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो गुंडा राज का नहीं है, जैसे पिछले बार आपने देखा होगा 2017 में जो भाजपा सरकार लगातार दावे कर रही थी, उन्होंने कहा था कि इस बार गुंडा राज पर वार होगा, तो इस पर वार नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर के काफी सवाल है, इसके अलावा इस बार चुनाव जाति के आधार पर कुछ ज्यादा जाता दिख रहा है,
और लोग अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा ये जाति के आधार पर वोट पड़ने की संभावना है जो कि भाजपा के गणित को बिगाड़ सकता है कहीं ना कहीं। इस बार हमने भूपेश देख इस बार हम सोच रहे थे या आंकलन कर रहे थे कि शायद जातिवाद से उठकर जो चुनाव है जो मतदाता है वो विकास के मुद्दों पर सुरक्षा के मुद्दों पर रोजगार के मुद्दों पर वोट देंगे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब भी जातिवाद जो है वो दिखाई दे रहा है इन चुनावों में। देखिए बिल्कुल ये सच्चाई है कि जातिवाद इस बार लोग बात जरूर करेंगे कि विकास के नाम की रोजगार के नाम की इन बातों को करेंगे, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे कहीं ना कहीं जाति फैक्टर है वो दिख रहा है, क्योंकि अभी हम कई जगह से आए हैं वहां पर ये असर दिख रहा है। लोग बात तो कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, बेरोजगारी का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जाति का जो वोट बैंक है, जाति के आधार पर वोट बैंक की बात होती है वही होता है। और खासकर नोएडा की गौतम नगर की मैं तीनों विधानसभाओं की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा हावी है। चलिए ठीक है भूपेश, भूपेश आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आपसे बात करूंगी। बुढ़ाना से तस्लीम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तस्लीम, बुढ़ाना विधानसभा में किस तरह के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बुढ़ाना भी कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। पावर बैंक है, तो मेरा फोन भी डाउन करेगा। तस्लीम मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या तस्लीम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो तस्लीम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन नोएडा से भूपेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भूपेश देखिए तस्लीम से बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद नेटवर्क इशू कोई वहां पर बना हुआ है, तो मैं आपका रुख करूंगी। भूपेश और ज्यादा इन तस्वीरों को दिखाइए और समझाइए, लोगों से बातचीत करिए। मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ युवा यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या सोचा है युवाओं ने, क्योंकि उनका पहला वोट है। कुछ लोग, कुछ युवा तो ऐसे हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली बार वोट डाले। आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए, लोगों की जागरूकता की जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर दिख रही है, और सुबह से ही यहाँ पर लोगों की लंबी लाइन दिख रही है। बिल्कुल बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत अच्छे से पालन भूपेश यहाँ किया जा रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है हर किसी की, और तभी अंदर जाकर आप वोट डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की हुई है। देखिए आप इसको देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर मजबूत है, इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन किया जा रहा है, और लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं। और हम यहाँ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? क्या कहना चाहते हैं आप वोट डालने के लिए आए हैं? वोट डालने के लिए आए? जब आप वोट डालने के लिए आए क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहते हैं उस समय? इनसे पूछिए, पांच साल से खुश हैं इन 5 सालों से योगी आदित्यनाथ के, या इस बार परिवर्तन चाहते हैं? हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट करेंगे, देखिए ये तो उन्हीं का अधिकार है। और कोई ये काजल ये बात मैं बता दूं आपको, जो हमने काफी लोगों से अलग अलग भी बातचीत करी है, तो काफी ऐसे लोग हैं जो मतलब कैमरे पे नहीं बताना चाहते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्या मुद्दा है, तो वो साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पीछे मैं आपकी देख पा रही हूँ तस्लीम, एक महिला जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, पीछे बहुत पीछे सबसे आखिर में है, उनसे बात करिए। मैं बात करने की कोशिश, क्या नाम है आपका? नीतू जी आप वोट डालने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या मुद्दे आपके इस बार दिमाग में रहेंगे जब आप वोट डालने के लिए आएंगे? महिला सुरक्षा का मुद्दा रहेगा ऐसा? अच्छा, तो आपको लगा कि पिछले 5 वर्षों में जो योगी सरकार रही है महिला सुरक्षा पर कार्य हुआ है? अच्छा काम हुआ है, खुश है 5 सालों से? आप पास इन 5 वर्षों से खुश हैं? हाँ। जी आपका क्या नाम है? आप किन मुद्दों पे, आप सुरक्षा पे, प्रोग्रेस पे, अपने देश के लिए? आपको लग रहा है कि 5 वर्षों में योगी सरकार ने जो किया है कार्य किया है कुछ? और जो 5 वर्षों में योगी सरकार ने कार्य किया है उससे संतुष्ट है, उसी को लेकर के यहाँ पर वोट डालने के लिए आए। देखिए महिला थी, उन्होंने भी कहा कि महिला सुरक्षा पे काफी कार्य हुआ है, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है भूपेश यहाँ पर भीड़ बहुत कम नजर आ रही है, क्या लोग ठंड की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नौकरी करते हैं तो फिर नौकरी से जब छुट्टी होगी तब उसके बाद शाम को आकर वोट डालेंगे, कुछ ऐसी स्थिति?
हाँ बिल्कुल, देखिए इसी तरह के वोटर हैं, कुछ लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, बाकी कुछ है कि जो देरी से उठते हैं वो मतदान, आधे लोग ये सोचते हैं कि सुबह के समय वहां पर भीड़ होगी तो उसके बाद हम वोट डालने जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का जो है लोग आने शुरू हो रहे हैं और भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन काफी ऐसे बूथ है अलग अलग बनाए गए इसलिए उस तरह की भीड़ नहीं है। आप मेरी तस्वीरों में देख सकते हैं वहीं तक इसको पूरा सजाया गया है और इस पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र को आप अलग तरीके से देखिए, देखिए पूरे जो वहां तक गुब्बारे लगाए गए हैं, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था यहां पर मजबूत की गई है, महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंच रही है। ठीक है भूपेश, तस्वीर बहुत ही सही नजर आ रही है, शांति व्यवस्था से मतदान यहाँ हो रहा है। भूपेश यहाँ मैं आपको रोकूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और काफी हिस्सों में अगर हम बात करें तो 20% तक मतदान हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है, 1 घंटे का समय कोरोना की वजह से बढ़ाया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर पोलिंग बूथ पर किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अभी कुछ देर पहले हम दादरी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, वहां पर किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है हम जानने की कोशिश की। अब हम आपको ले चलेंगे बुलंदशहर, बुलंदशहर से मेरे सहयोगी लोकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर में किस तरह के हालात है, बुलंदशहर में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है अब तक लोकेश? लोकेश आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जहां जहां पर आज मतदान हो रहे हैं वहां वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर लगातार चुनावी कवरेज बरकरार है और हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है, वीडियो संदेश जारी करके उस पर बवाल हो गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है, कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील बताई जा रही है जिस पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भूपेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, भूपेश क्या कुछ अपडेट है, कितने प्रतिशत मतदान दादरी सीट पर अब तक हो चुका है? देखिए काजल, 15% जो मतदान है वो दादरी सीट पर अभी तक हो चुका है, और दादरी और जेवर की मैं बात करूं तो यहाँ पर मतलब ग्रामीण एरिया ज्यादा, यानी कि काफी मात्रा में लोग ऐसा है, काफी गांव ज्यादा पड़ते हैं दोनों ही विधानसभाओं में, जबकि जो नोएडा है वो शहरी है, लेकिन इसके अलावा दादरी की अगर हम बात करें तो दादरी में नोएडा एक्सटेंशन भी आता है जहाँ की तस्वीरें पिछली बार सामने आई थी और वहां का एक नजारा बिल्कुल अलग था, वहां पे आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी अब भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि शहरी मतदाता है वो सुबह इतना जल्दी नहीं निकलता है, जो देहात का मामला होता है, ग्रामीण इलाका जो होता है वहां पर लोग पहले निकलते हैं, लेकिन जो वैसे इलाके में देखिए जो शहरी है वो 10 या 11 बजे के बाद निकलने शुरू होते हैं, और वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं जब हम यहाँ पहुंचे थे तो काफी कम लोग थे। सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जो कि आवाम के नाम है, यूपी की जो जनता है उसके नाम है, उसमें कहा गया है कि सोच समझकर वोट डालिएगा, अगर आप गलत मतदान करते हैं तो केरल कश्मीर बनते असम बनते देर नहीं लगेगी, इसका असर मतदाताओं पर कितना दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर बवाल भी खूब हुआ है। देखिए ये तो जग जाहिर है कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो मुद्दा होता है उनका सबसे ऊपर होता है, मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई जगह जनसभाओं में ये बात कही थी, गर्मी निकालने की बात कही थी, वो मुद्दा भी बहुत बड़ा रहा था जिसमें विपक्षियों ने हमला बोला था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से चुनाव प्रचार में उतरे हैं वो आक्रामक रहे हैं और उन्होंने लगातार टारगेट किया, 80-20 की उन्होंने लगातार बात करी है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है, और जो वोट बैंक उनका है हिंदुत्व के नाम पर वो वोट बैंक उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन काफी ऐसा वोट बैंक है जो केवल रोजगार की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है या महिला सुरक्षा की बात करता है, तो उसको लेकर के भी काफी ज्यादा यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा भूपेश ये बताइए कि अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में
जनता कितनी जागरूक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर काफी एजुकेटेड लोग हैं, वो रहते हैं। देखिए गौतम बुद्ध नगर की जनता काफी जागरूक है, यहाँ पे उन्होंने देखा है अभी तक। मैं अगर 2017 के चुनावों की बात करूं तो 2017 के चुनावों में तीनों ही सीटें पर भाजपा ने कब्जा किया था और तीनों ही सीटें भाजपा ने बड़े मार्जिन से जीती थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कब्जा किया था और उसमें सांसद बने थे डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि 3.5 लाख वोटों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं तो शायद नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें थी नोएडा से वो हमने आपको बताई है, क्योंकि ये जो सीटें हैं, जो ये जिले हैं, 11 जिले और 58 सीटें, बताया जाता है कि ये जाट प्रधान पश्चिमी हिस्से हैं, जहां पर जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम देखें कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जाटों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम मानी गई है, क्योंकि बहुत सारे जाट ऐसे हैं जो किसानी करते हैं। ऐसे में कितना असर इन 58 सीटों पर होगा ये तो पता चलेगा। आज मतदान हो रहा है और करीब करीब 20% तक इन सीटों पर मतदान हो चुका है। आगे लगातार जो चुनावी कवरेज है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की वो बनी रहेगी, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ।